एक्सचेंज रेट का मतलब है कि एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए कितना पैसा चाहिए सलामकम वरहल वरक दोस्तों आज हम इस वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी लेके आए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें चलिए शुरू करते हैं कि एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है अगर सऊदी रियाल का रेट इंडियन रुपए से कम हो जाएगा तो इसका मतलब है कि सऊदी रियाल की वैल्यू कम हो गई है और इंडियन रुपए की वैल्यू ज्यादा बढ़ गई है इसे सऊदी अरबिया से इंडिया में इंपोर्ट करना सस्ता हो जाता है लेकिन इंडिया से सऊदी अरबिया में एक्सपोर्ट करना महंगा हो जाता है इस तरह से एक्सचेंज रेट ट्रेड और टूरिज्म को भी करता है एक्सचेंज रेट हर वक्त बदलता रहता है क्योंकि मार्केट में करेंसी की डिमांड और सप्लाई भी बढ़ती बदलती रहती है अगर सऊदी अरबिया में ऑयल प्राइसेस बढ़ जाए तो सऊदी रियाल की डिमांड भी बढ़ जाएगी और इससे सऊदी रियाल का रेट इंडियन रुपीस में हाई हो जाएगा अगर इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ तेज हो तो इंडियन रुपीस की डिमांड भी बढ़ेगी और इससे इंडियन रुपीस का रेट सऊदी रियाल से हाई हो जाएगा एक्सचेंज रेट प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करना मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स उस पे असर डालते हैं लेकिन आप ऑनलाइन टूल्स का इस्तेमाल करके करेंसी रेट और करंट और हिस्टोरिकल एक्सचेंज रेट देख सकते हैं आज के डेट पे 2023 में मैं वीडियो बना रहा हूँ एक रियाल का रेट 2250 से लेकर बाईस तक है और घट के बाईस दसमलव अट्ठारह रिया, रियाल का जो रेट पड़ता है यानी एक रियाल का रेट बाईस दशमलव अठारह रुपये बनते हैं। आप इससे ये सब देख सकते हैं। इसका लिंक मैं दे दूंगा लेकिन आपको क्या पता है कि क्या नाम है अब मैंने जैसे बताया कि किस तरह से रेट घटता बढ़ता रहता है तो इससे हम वर्कर्स को कितना घाटा होता है आप इस तरह से समझ लीजिए कि अगर एक हज़ार रियाल का आपको इक्कीस रियाल इक्कीस हज़ार अट्ठारह बनता है यानी इक्कीस सौ अट्ठारह इक्कीस हज़ार अट्ठारह रुपये बनते हैं और अगर यही रेट बढ़ गया इक्कीस पचास हो गया तो एक हज़ार का कितना हो जाएगा इक्कीस हज़ार पाँच सौ हो जाएगा और अगर इक्कीस पचहत्तर हो गया तो इक्कीस हज़ार सात सौ पचास रुपया हो जाएगा तो इस तरह से प्रॉफिट हो जाता है मैं जहाँ तक जानता हूँ कि ये टाइमिंग पे है ये दस तारीख से लेके आपको उन्नीस बीस तारीख तक आप अगर ट्रांसफर करते हैं करेंसी तो उसमें आपको प्रॉफिट मिलता है क्योंकि उस वक्त रेट हाई रहता है रेट हाई क्या रहता है यानी इंडियन करेंसी की रेट गिरी रहती है और यहाँ से रियाल का रेट बढ़ा रहता है जिसके वजह से हमारा जो करेंसी रेट है वो हमारा करेंसी रेट वैल्यू कम होने की वजह से हमारा रुपया ज्यादा बनता है और कोई बात नहीं लेकिन हाँ इसमें हमारा फायदा होता है वर्कर्स का ये जो गल्फ कंट्री में रहते हैं उनका फायदा इसलिए होता है क्योंकि वो उतने ही रियाल में अगर लगाएंगे तो कहीं इक्कीस हजार अट्ठारह रुपया पाएंगे तो कहीं इक्कीस हजार आठ सौ पचास पाएंगे कहीं इक्कीस हजार आठ सौ सत्तर पाएंगे तो इस तरह से मतलब मैं मिनिमम मैक्सिमम बताता हूं तो ये प्रॉफिटेबल हो जाता है आप ही सोच लीजिए कि चार सौ छे सौ एक हजार अगर मिल जाता है हमें अगर पांच हजार रियाल पे अगर हम लगाते हैं इंडियन करेंसी का रेट अगर गिरा हुआ है और ये रियाल का रेट बढ़ा हुआ है तो इसमें हमारा प्रॉफिट हो जाता है हजार दो हजार का फायदा हो जाता है जो यानी कि जनरल यानी हाउस वर्क में या जनरल काम में ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कभी भी अगर रेट लग, देख के लगाएं और रेट हमेशा यानी इंडियन करेंसी या कोई भी करेंसी टाइमिंग से गिरता बढ़ता रहता है मैंने जहां तक अंदाज़ा लगाया है कि इंडियन करेंसी का रेट गिरता है लगभग दस तारीख से हर महीने के दस से ले और 18-19 तारीख तक इस बीच अगर आप रियाल करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो इंडियन रुपया ज़्यादा बनेगा और जो मतलब वर्कर्स के लिए होते हैं जो हम बाहर काम करने वाले मजदूर हैं ये भाई गल्फ कंट्री वालों के लिए फ़ायदेमंद होता है तो इस वीडियो से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम किस तरह से अपने रियाल को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसफ़र करने के लिए हमें टाइम देखना पड़ता है और रेट देखना पड़ता है इससे पहले अगर आप लगा लेते हैं तो आपको हजार पाँच सौ रुपये का घाटा होता है जो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है आप थोड़ा रुक के इंतज़ार करके और रेट जब बढ़े तब लगाएं और इसके साथ साथ आपको ये भी देखने को मिलता है कि कभी कभी ट्रांसफ़र चार्ज जो होता है रेट यानी मनी ट्रांसफर ट्रा, चार्ज जो लगता है वो कभी कभी फ्री भी रहता है और कभी रेट कम लगता है इससे पहले मैंने दो चार दिन पहले देखा था तो जिसमें एनसीबी बैंक का जो होता था ट्रांसफ़र चार्ज जीरो था लेकिन आज इक्कीस या बाईस रियाल है ट्रांसफ़र फ़ीस तो इस तरह का सब कुछ देखने के लिए आपको थोड़ा जानकारी चाहिए मैं एक और लिंक बता दे रहा हूँ कि अभी ईमो पे जो है ईमो में ये बहुत बढ़िया ऑप्शन दे दिया है कि ईमो में आपको कंपेयर रेट करना पड़ेगा आल बैंक्स में जो ट्रांसफ़र बैंक करते हैं ट्रांसफ़र मनी के लिए तो उसमें ये होता है कि देखकर हमें पता चलता है कौन सा बैंक कितना रेट दे रहा है और ट्रांसफ़र फीस कितना ले रहा है चार्ज कितना ले रहा है तो इस तरह से जानकारी आप लेके अपने कमाई का जो हिस्सा होता है बचा हुआ हिस्सा जो आप इंडिया में ट्रांसफ़र करेंगे उसमें थोड़ा बहुत ट्रेड के माइंड से अगर आप काम करते हैं तो हज़ार पाँच सौ का फ़ायदा हो जाएगा जो कि आपके घरेलू खर्च के लिए एक बेहतर पैसा बचता है अगर आप ज़्यादा कमाई करते हैं ज़्यादा पैसा है आपके पास पाँच हज़ार दस हज़ार लगाना होता है तो जिसमें दस हज़ार पंद्रह हज़ार रुपये तक का फ़ायदा हो जाएगा अगर टाइमिंग से आप लगाएंगे तो और यानी कि लीगल तरीके से इस तरह से बैंक से भी प्रॉफिट हमें मिल जाएगा और बसानी हम लगा सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर फेसबुक पे हैं तो हमें फॉलो करें इस तरह का वीडियो मैं लाता रहूंगा रेट प्राइस के हिसाब से गैजेट्स अनबॉक्सिंग और बहुत सी सारी जानकारियों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में वालेकुम